वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। भाई प्रीमियर लीग हमेशा सरप्राइज ही देती है आपको, और इसीलिए प्रीमियर लीग जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लीग है, और उसको कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बेहतर लीग है। ये अलग बात है कि अगर आप चैंपियंस लीग उठाकर देखें तो प्रीमियर लीग की सिर्फ दो टीम्स ही हैं जो राउंड ऑफ 16 में आई हैं, और ला लीगा जो कि अब देखा जाए कंपैरेटिवली वहां पर ये कहा जाता है कि यार अब ला लीगा में वो स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं रही हैं, उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं रही हैं, लेकिन ला लीगा की चारों टीम्स जो हैं वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन प्रीमियर लीग है क्योंकि यहाँ पर पहली 7, 8, 10 टीम्स ऐसी हैं कि जब उनका आपस में मैच होता है तो वहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और स्टोन विया इस सीजन की ऐसी टीम है कि जो सारी टीम्स के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, और इस टाइम पर वो नंबर 3 पोजिशन के ऊपर बनी हुई है। और अगर हम इस वीकेंड की बात करते हैं तो इस वीकेंड पे प्रीमियर लीग में जो सबसे टॉप की गेम थी जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे वो लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड का गेम था, और ये गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसकी रीज़न ये थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड रिसेंट टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरा परफॉर्म कर रही थी। अभी रिसेंटली वो UCL से भी बाहर हुए, और उसके अलावा उससे पहले भी प्रीमियर लीग में भी वो बुरी तरह से गेम्स हारे हैं। और अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो यूनाइटेड सपोर्टर्स इस गेम से 0-0 का रिजल्ट या एक पॉइंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और मैंने जितने भी यूनाइटेड फैंस को सुना है तो वो एक तो घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि यार कहीं हमें ह्यूमिलेशन ही ना देखनी पड़े आनफील्ड में, और बहुत सारे फैंस जो है वो ह्यूमिलेशन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि टेन हैग ने बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली इस गेम को अपनी टीम को खिलाया, और उन्होंने जो है वो लो ब्लॉक में डिफेंसिव अप्रोच को अपनाया, और उन्होंने लिवरपूल को कहा कि भाई आओ और अटैक करो और हम जो है वो काउंटर के ऊपर ट्राई करेंगे। और एक दो चांसेस बड़े अच्छे बनाए भी थे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, अगर वो वहाँ पे गोल स्कोर कर जाते तो पॉसिबिलिटी थी कि वो 3 पॉइंट भी यहाँ से ले सकते थे। और लिवरपूल को उन्होंने पूरे 90 मिनट में रोक के रखा। लिवरपूल ने कोई तकरीबन 30-35 अटैक्स बनाए खतरनाक वाले, और ऑन टारगेट भी काफ़ी अच्छी शॉट्स थी, ऑफ टारगेट भी उन्होंने बड़े अच्छे चांसेस जो कि उनको मतलब एटलीस्ट कम अज कम ऑन टारगेट शूट्स करनी चाहिए थी वो नहीं कर सके। और इस गेम में वो जो है बिल्कुल उस तरह से उन्होंने चांसेस मिस किए जिस तरह से रिसेंट टाइम्स में अभी बार्सिलोना मिस करती रही है, कि चांसेस बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फाइनल थर्ड में आकर जो है वो बॉल गोल के अंदर नहीं जा रही। तो ये सिचुएशन थी लिवरपूल की। अब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात की जाए तो उनकी लाइनअप अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइनअप इसलिए नज़र आ रही थी कि यार उनके जो मेन प्लेयर्स थे वो तो इंजर्ड थे या वो किसी वजह से नहीं खेल पाए, जैसे कि ब्रूनो फर्नांडिस जो थे वो क्योंकि एक्युमुलेटेड येलो कार्ड्स की वजह से वो नहीं खेल पा रहे थे। उसके बाद मैगवायर को अगर आप देखें तो मैगवायर पिछले महीने के बेस्ट प्लेयर ऑफ प्रीमियर लीग हुए थे, और वो भी अभी रिसेंटली इंजर्ड हो गए। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी टेन हैग के लिए, लेकिन वरान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, उन्होंने बहुत अच्छा डिफेंसिवली जो है वो परफॉर्म करके दिखाया। अमराबाद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, और मेन चीज़ ये थी कि आपने देखा होगा कि कितनी सारी शूट्स जो हैं उन्होंने ब्लॉक की हैं लिवरपूल की तरफ से। और अगर हम लिवरपूल की भी बात करें तो लिवरपूल भी कोई उनकी भी लाइनअप में बहुत सारे प्लेयर्स मिसिंग थे, लेकिन फिर भी लिवरपूल क्योंकि होम पर भी खेल रही थी और उनसे एक्सपेक्टेशन यही थी कि यार किसी भी तरह से वो रिज़ल्ट निकाल लेंगे, और ये रिज़ल्ट जो आया है एक पॉइंट का लिवरपूल के लिए, तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स इस तरह से हुई होगी कि यार चलो लिवरपूल ने भी पॉइंट जो है वो लूज़ किए, और उनके पास एक मौका होगा कि यार लिवरपूल कहाँ पे 3 पॉइंट लेके जो है वो गैप 6 पॉइंट का बनना था, और अभी गैप जो है वो सिटी और लिवरपूल में 4 पॉइंट का बना है। और जो दूसरा सरप्राइजिंग पैकेज है वो है स्टोन विया। स्टोन विया ने अपना गेम जीता, और अपना गेम जीतकर वो भी लिवरपूल के साथ 38 पॉइंट के साथ जो है वो थर्ड पोजीशन के ऊपर है, गोल डिफरेंस के ऊपर जो है वो दोनों टीम्स जो है वो बैठी हुई हैं। और फिर बात आती है आर्सेनल की। आर्सेनल का गेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ब्राइटन के अगेंस्ट, और इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, टाइट विक्ट्री थी, नैरो विक्ट्री थी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी। और पिछले सीजन में भी अगर आप देखें तो आर्सेनल जब क्रिसमस ब्रेक पे गई, न्यू ईयर ब्रेक पे गई थी, तो वो काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर थी, लेकिन जब वो वापस आए
तो वापस आने के बाद उन्होंने जो है वो पॉइंट पे पॉइंट लूज करने शुरू कर दिए, और उस टाइम पे भी अगर मुझे सही याद है तो तकरीबन 6-7 पॉइंट का डिफरेंस था मैनचेस्टर सिटी से, और मैनचेस्टर सिटी ने उसके बाद आकर जो है वो एक तो डिफरेंस गैप जो है वो ख़त्म किया, और वो स्टार्ट भी कहाँ से हुआ था, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल की जो गेम हुई थी वहाँ से, जब मैनचेस्टर सिटी ने बुरी तरह से आर्सेनल को हराया था, तो उसके बाद से आर्सेनल जो है वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी थी। तो प्रीमियर लीग जो है वो भाई मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर होता है, और इस टाइम पर तो 1 पॉइंट की लीड के साथ आर्सेनल बैठी हुई है, और अभी मैनचेस्टर सिटी जो है वो क्लब वर्ल्ड कप खेलेगी, और इंशाल्लाह परसों जो उनका गेम होगा उसमें वीलॉग भी मैं बनाऊंगा, और यहाँ पर जद्दा में गेम होगी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर अगली गेम की बात की जाए तो लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल की गेम है, और वहां पर सिटी जो है नजर लगा के बैठी होगी, और सिटी के लिए विन विन सिचुएशन होगी वहां पर, कि अगर दोनों टीम्स ड्रॉ कर निकाल जाती हैं, या अगर लिवरपूल जो है वो पॉइंट ड्रॉप कर देती है 3-3, या अगर आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर देती है, तो लिवरपूल जो है वो एक अच्छी सिचुएशन में आ जाएगी कि यार चलो एक टीम से तो जो है वो गैप क्लोज किया जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन बन चुकी है इस टाइम के ऊपर प्रीमियर लीग में, और फाइट जो है वो ज़बरदस्त चल रही है। अगर यूनाइटेड की बात की जाए तो यूनाइटेड अब यूरोप में तो कहीं पर भी नहीं खेल रही है, और चैंपियंस लीग में भी नहीं है, ना यूरोपा के लिए क्वालिफाई किया, तो अभी उनको सिर्फ डोमेस्टिक कंपटीशन के ऊपर ही फोकस करना है, और मेरे ख्याल में यही उनके लिए बेहतर भी है, क्योंकि अगर यूनाइटेड अब डोमेस्टिक कंपटीशन को ही फोकस करके चलती है तो टॉप 5 में वो फिनिश कर सकती है, और टॉप 5 में फिनिश करने का मतलब है कि अगले साल की चैंपियंस लीग के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर वो कोई डोमेस्टिक कप भी जीत जाते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। बाकी जो है वो स्टोन विया की अगर आप बात करें तो स्टोन विया जो है वो इस टाइम पर तो भाई बड़ी तगड़ी किस्म की टीम बन के सामने आई है, और अब स्टोन विया का भी प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह ला लीगा में हम जिरोना की बात करते हैं कि यार कहीं डीप जाकर जो है वो सीजन में ऐसा ना हो कि वो पॉइंट ड्रॉप करना शुरू कर दें, तो देखना ये होगा कि स्टोन विया कब तक अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखेगी, और कितनी देर तक जो है वो कंपीट कर सकेगी और टाइटल रेस में बनी रहेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आने जो वाला जो वीक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब जो टॉप 4 टीम्स हैं, जहाँ पर किसी एक टीम ने पॉइंट लूज करने शुरू कर दिए तो वहाँ पर जो है वो नर्व्स की गेम आ जाती है। मैनचेस्टर सिटी को आप देखेंगे, उन्होंने एक गेम में पॉइंट लूज करने शुरू किए तो उसके बाद वो लगातार करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी का ये ज़रूर है कि अब डी ब्रूने वापस आ जाएंगे, हॉलैंड वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद से मैनचेस्टर सिटी कभी भी कमबैक कर सकती है, और इन सब टीम्स को जो है वो दोबारा से टफ टाइम दे सकती है। तो प्रीमियर लीग जो है वो मुझे, जिससे मैंने पहले प्रिडिक्ट किया था कि मुझे ये लगता है कि आखिरी वीक में ही जाकर जो है वो हमें पता लगेगा कि इस साल की प्रीमियर लीग चैंपियन कौन होगी, तो बहुत ही मज़े का सीजन जो है वो होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ डू फॉलो।